गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो बुक का पेज नंबर है 26 है, 26 27 ये करते हैं। तो जो 26 है वो बिल्कुल सिंपल है, देख सकते हो आप। आपको पर्सपेक्टिव के विषय में बताया गया था, अगर आपको याद होगा। तो एक पॉइंट लेके उसी के अकॉर्डिंग ये बनाए हुए हैं। पेंसिल चाहिए हमें, स्केल चाहिएगा, ये स्केल है। और इसके लिए लेंगे हम एक पॉइंट। मान लो हमने ये इधर एक पॉइंट लिया, और इसी पॉइंट से हम जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनाएंगे। अब देख सकते हैं, पॉइंट से मैंने भी बिल्कुल सेंटर लाइन ली है, डॉट डॉट से ये आप सीधी लाइन ले सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा मैं पास करता हूँ। जो भी आपने एक में लेता हूँ ओरिजिनल लाइन, वो अपनी मर्जी से आप किसी भी पॉइंट पे आप ले सकते हैं। ये ओरिजेंटल लाइन है, ठीक। अब इसी के अकॉर्डिंग आप जितना भी आप चाहे इतना बड़ा बॉक्स आप बना सकते हैं। अब आप देखिए कि जो ये ओरिजेंटल लाइन है, इसी को आप एक स्ट्रेट लाइन ऐसे किया है और एक ये, ठीक है। तो आपको बताता हूँ, मान लो ये हमारा पॉइंट है ये, और इधर भी आप इसको छोटा बड़ा कितना भी आप ले सकते हैं। मान लो ये इतना थोड़ा सा आगे गैप है, और लगभग हमारा ये बराबर है। ठीक है, मान लो ये दो पॉइंट है इसके। अब आपने इसी पॉइंट पे जो कॉर्नर से ये लाइन चली हुई है और एक लाइन नीचे, ये मान लो ये पॉइंट आगे तक मैं बढ़ा देता हूँ ये पॉइंट, और इसी पॉइंट से चलेगा जितना भी है। आप देखिए ये गया, और इधर भी ये लाइन गई, ठीक है। जो लाइन ये है पॉइंट, इसी को आप नीचे करोगे, ये अपने अकॉर्डिंग आपने छोटी बड़ी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। रखोगे बराबर, मान लो ये है वो बराबर है, ठीक है। और ये है लास्ट, इसको लेते हैं हम डॉट डॉट से ले लो। अगर ये एक बार समझ में आता है तो जो भी ऑब्जेक्ट हो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो, और आगे भी फ्यूचर में भी इन चीज़ों का बहुत यूज होता है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, मान लो ये चीज़ है, ये देखो, दूसरी लाइन आप इसी के अकॉर्डिंग आप जो ये पॉइंट है और एक पॉइंट है इस पे स्केल रखोगे, और आप देखिए ये रखा मैंने, और जहाँ भी लाइन लगती है ये गई, और ये इधर से ये गई, एक ऑब्जेक्ट एक ये। अब
अब क्या करेंगे हम, मान लो जो ये बॉक्स है हमारा, ये लाइन है, ये ऊपर की लाइन होगी, वो देखिए ये बनी और ये बनी, और ये कॉर्नर है, और इस कॉर्नर को मिलाओगे जहाँ पे भी है, ये कॉर्नर है वो ऊपर का, ये लाइन मैंने ये लाइन, ठीक है। अब इसको आप इस क्रॉसिंग और इसको मिलाइए, ये और जो ये कहाँ पर, ये कॉर्नर है, उस कॉर्नर से आप नीचे की तरफ लेके आओगे, जो भी लाइन है ये कॉर्नर जहाँ पे लाइन टच करती है, और इसका कॉर्नर बनेगा हमारा ये, दोनों पॉइंट को नीचे वाले को आप मिलाओगे, और आपको मैं पूरा समझाऊंगा कि ये बॉक्स रेडी नजर आएगा। मान लो मैंने ये ऊपर का बाइट किया, बाकी ऊपर को ऊपर की तरफ ड्रॉ भी है, समझ सकते हो आप। अगर इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो सही अनुपात में मेजरमेंट में आप कोई भी चीज ड्रॉ करोगे, बिल्डिंग है, कोई कार है, कोई कुछ भी हो, एनीवन, तो आप अच्छी तरह आप ड्रॉ कर सकते हो। एक लाइट, एक डार्क, देख सकते हैं ऐसे ऐसे ही इसमें बताया गया है। तो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऐसे आप बनाओगे। अब है ये पॉइंट, ये भी एक पर्सपेक्टिव की मदद से ही बना हुआ है। ये पॉइंट लिया, अपनी मर्जी से आप कितना भी खुला और कितना भी इसको पतला पॉइंट बना सकते हैं, और ये ट्राइंगल शेप ले ठीक। जो ये पार्ट आप देख सकते हैं, ये ऐसे और डॉट डॉट से बनाइए, वोवन शेप में ये बनेगा। कोई भी चीज है वो अगर दूर जाएंगे तो वो उसका जो हिस्सा है वो पतला दिखाई देगा। मान लो इसको मेरे इरेजर कर दूं तो ऐसे नजर आएगा, और इसको मैं इधर से करता हूँ तो ऐसे नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं आपको कैसे देखने में मुश्किल लगता है, अगर आप ऐसे बनाओगे तो बहुत ही आसान लगेगा।
अंदर की तरफ राम राम कैसे, जैसे ये लाइन लगी है ऐसे ही आप इस तरह और इसको मिलाते हैं। ऐसे बनता है पर्सपेक्टिव की मदद से। पेन से बनाइए, पेंसिल से। अब ये भी पर्सपेक्टिव की मदद से बना हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं। अगर मैं ये स्केल रखता हूँ दो तक, तो एक पॉइंट आएगा, इधर भी जाऊँगा तो एक पॉइंट दूर से कहीं ना कहीं दूर बनेगा। अगर इसको स्केल को मैं रखता हूँ बड़े स्केल को, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट कहीं ना कहीं जोर बनता है, इधर बना हो तो। अगर इधर रखूंगा तो ऐसे, ठीक। तो ये थोड़ा समझाने का वह कि बीच में आपको दिखाया गया एक बॉक्स में है, ये चेयर भी एक बॉक्स में है। इसको भी बताते हैं आपको, मान लो मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया, तो इसमें कैसे आने एक सोफा ड्रॉ करना है। ये लोड लोड से लिए और इसमें एंगल थोड़ा सा, ये थोड़ा सा देख सकते हो पीछे है, तो ऐसे ही आपने भी ऐसे पेंसिल को थोड़ा सॉफ्ट कर लेता हूँ। अब लोग बिल्कुल सीधी लाइन जितने भी आपको जरूरत है। ये और ऐसे ही जो कॉर्नर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री के एंगल से, जितनी बड़ी ले सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। जब भी आप इसकी दूसरी लाइन लगाओगे वो अपने आप क्रॉसिंग करेगी। और किस एंगल से
अब जो ये पॉइंट इधर बना है और ये पॉइंट बना है और ये इनको आप मिलाओगे ये मिला है और ये मिला दिया। ठीक, अब इसमें दिखाया गया है कि सोफा जो है वो भी एक जो एक प्रॉपर जो स्पेस है वो लेता है और वो इससे का भी हो सकता है, एक पॉइंट पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। अब इसकी शेप बनाओगे आप, मान लो इसमें ये दिखाया गया है इधर से इस कॉर्नर से, तो ये राउंड और इसी कॉर्नर से आप देख सकते हैं ये अंदर की तरफ ये दो पॉइंट मैंने लिए। ठीक, और इधर भी जो ये है आप देख सकते हैं वन ऐसे इसी कॉर्नर से थोड़ा सा हट के इधर, और इतना मैंने लिया है। अब आपने जो सोफा है वो कितना बड़ा बना वो आपकी मर्जी है, ये एक स्ट्रेट लाइन आप लोगे जहाँ पर भी आपने लेनी है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन ही है। इसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे, सो एक लाइन ये है, एक इसे थोड़ी सी ऊपर लेंगे ये ली और एक लाइन ये भी ले सकते हैं जो है नीचे की तरफ, ये लाइन इस लाइन को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ लेंगे क्योंकि ये बैठने की जगह है। और ये लाइन होगी, ये लाइन है और इस लाइन को आप ऐसे मिलाएं, ऐसे मिलाएं और जो ये पार्ट हमारा इस कॉर्नर पे इससे आप ऐसे जैसे ये लाइन ऐसे ही और ये पार्ट है ये। ठीक, इस पे सेटिंग करके भी दिखाएंगे हम, और ये लाइन जो हमने ली है आप देख सकते हैं ये लाइन है जो इसी में आप कॉर्नर से ऐसे भी हम मिलाओ ऐसे, और इस लाइन में जो ये है इसको आप ऐसे करो। अब इसके जो पोए हैं
ये लाइन एंड चेक, ये लाइन है और इस लाइन पे एक दो और एक ऐसे, एक से दी और इसी पे लिख बीच की ये लाइन, और एक ऐसे करके ऐसे है। इसमें जो पार्ट है वो कम दिखाई दे रहा है और इस पॉइंट पे थोड़ा तो इस तरह हमारा जो ये सोफा देख सकते हैं तैयार है, और इसमें मैं करता हूँ सेविंग। अगर आप ये पार्ट बनाना चाहे तो ऊपर का भी आप पार्ट इसको बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप बनाओ या ना बनाओ। मगर जैसे पिक्चर दी है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ये है वो ऐसी बनेगी। ठीक है, ऐसे ही आपने चेयर बनानी है, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। प्रदीप सर।